फिल्म की शुरुआत में हम एक पेड़ की डाल पर मौजूद घोंसले में एक अबांडेंड एग को देखते हैं, जिसके अंदर हो रहे हलचल से वो एग नीचे आ पहुंचता है और उसमें से मौजूद बेबी बर्ड के पैर बाहर निकलते हैं, जो अंडे को अपने साथ लेकर इधर उधर जाने लगते हैं। जब वो एग सेल टूटता है तो उसके अंदर से एक बेबी बर्ड बाहर निकलता है, जिसका नाम सैम होता है। वो खुद को वहाँ अकेला पाकर अपनी मॉम को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर एक फ्रेंडली लेडी बग वहाँ पहुँच जाती है। उसे जब पता चलता है कि उस बेबी की देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं है, तब वो खुद ही उसकी देखरेख करने का तय करती है। और इसके बाद से काफी दिन यूं ही बीतता रहता है, जहाँ सैम अब बड़ा हो चुका था, पर वो बहुत ही डरपोक होता है। उसे लगता था कि अगर वो लेडीबग को छोड़कर बाहर जाएगा तो उसे बहुत से खतरनाक जीव मिल सकते हैं, पर लेडीबग उसे टफ बनाना चाहती थी और उसे अक्सर बाहर की दुनिया देखने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन सैम कभी भी वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वहीं दूसरी ओर हम एक माइग्रेटरी बर्ड्स की एक कम्युनिटी को देखते हैं, जहाँ डेल्फ नाम की एक बर्ड कुछ बेबी बर्ड्स को बेसिक ज्योग्राफिकल लेसन दे रही होती है। उनके लीडर का नाम डेरियस था, जो डेल्फ के डैड भी थे। सर्दियाँ आने वाली थी, जिस वजह से वो जल्द ही अफ्रीका के लिए निकलने वाले थे, ताकि वो पूरी सर्दी वहाँ कंफर्ट से गुजार सके। पर डेरियस को डर था कि कहीं रास्ते में आयरन बर्ड्स उन पर हमला न कर दे। असल में वो एरोप्लेन्स को जाइंट आयरन बर्ड समझते थे और उसे अपना सबसे बड़ा खतरा समझते थे। उसी कम्युनिटी में कार्ल भी था, जो डेरियस का नेफ्यू था, और उसके बाद वही उनके ग्रुप को लीड करने वाला था। दूसरी ओर हम देखते हैं सैम और लेडीबग एक बीच से आपस में गेम खेल रहे होते हैं, पर तभी लेडीबग उस बीच को वहाँ से बहुत दूर फेंक देती है। इसलिए वो सैम को बाहर जाकर उसे वापस लाने को कहती है और खुद घायल होने का नाटक करती है। पर क्योंकि सैम बाहर जाने से डरता था, इसलिए वो लेडीबग से कहता है कि हम कोई और गेम खेल सकते हैं, पर लेडीबग उसकी बात नहीं मानती और उसे बीच को वापस लाने को कहती है। और फाइनली लेडीबग के बहुत फोर्स करने के बाद सैम को उसकी बात माननी पड़ती है और वो किसी तरह से डरते हुए बीच को ढूंढने बाहर जाने लगता है। पर असल में ये लेडीबग का सोचा समझा प्लान था, ताकि इसी के कारण वो सैम को बाहर भेज सके और बाहरी दुनिया से उसके डर को कम कर सके। वो भी छुपते हुए सैम के पीछे जाने लगती है। वहीं हम डेरियस को देखते हैं, जो प्लान कर रहा होता है कि किस तरह वो आयरन बर्ड्स को अवॉइड करके अपनी कम्युनिटी को वहाँ से ले जा सकता है। पर उतने में एक वाइल्ड कैट उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है और उड़ने के काबिल नहीं रहता। किसी तरह से वो वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर तब और भी कैट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे वो उनसे बचते हुए एक अबांडेंड चर्च के पास पहुँचता है। वहीं पास में सैम भी बीज की तलाश में वहाँ आया होता है, पर जैसे ही उसे बीज मिलती है, तभी वो घायल डेरियस की आवाज सुनता है, जिसे सुनते ही वो डर के वहाँ से भागने लगता है। डेरियस उसे मदद के लिए आवाज लगा रहा होता है, लेकिन सैम डर के कारण उसके करीब नहीं जाना चाहता था और वो उसे अवॉइड करके वहाँ से भागने लगता है। पर डेरियस के बहुत आवाज लगाने पर वो हिम्मत करते हुए उसके पास जाता है, जहाँ वो जख्मी हालत में उसे जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। सैम उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर डेरियस समझ चुका था कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला। इसलिए वो उससे कहता है कि उसकी कम्युनिटी का अफ्रीका पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सभी सर्दियों में मारे जाएंगे। वो उसे अपने नेफ्यू कार्ल के बारे में बताता है, क्योंकि वो मानता था कि उसके बाद सिर्फ कार्ल ही सभी को अफ्रीका तक लीड कर सकता है। लेकिन वो सैम से कहता है कि वो कार्ल को ढूंढकर उस तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि वो इस बार उस रूट के थ्रू अफ्रीका ना जाए जिस रूट के थ्रू वो हमेशा जाया करते थे, क्योंकि उसमें आयरन बर्ड्स का खतरा था। बल्कि वो उसे कार्ल को बताने के लिए एक नए रूट का रास्ता बताता है, पर सैम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ याद नहीं रख सकता था, इसलिए वो पैनिक होने लगता है। उड़ने में बाकी के माइग्रेटरी बर्ड्स जो डेरियस की तलाश कर रहे होते हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। डेल्फ जब अपने डैड के करीब आती है, तभी डेरियस की डेथ हो जाती है, पर जाने से पहले वो उससे कह जाता है कि उस येलो बर्ड की बात सुनना। डेरियस के इस तरह से जाने से सभी बर्ड्स उसकी डेथ का शोक मनाने लगते हैं। डेल्फ को रोता देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड विली उसे शांत करता है। ये सब देखकर सैम वहाँ से जाने लगता है, पर कार्ल उसे देख लेता है और डेरियस के कहे अनुसार उसके पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे और हमारे लीडर ने तुमसे क्या कहा था। तभी लेडीबग वहाँ पहुँच जाती है। वो कार्ल से कहती है कि अगर तुम सब अफ्रीका जाना चाहते हो तो तुम्हें सैम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही है जो तुम सबको डेरियस के बताए न्यू रूट के थ्रू सेफली अफ्रीका तक ले जा सकता है, और आयरन बर्ड्स के खतरे के कारण तुम वो रूट बिल्कुल नहीं ले सकते जिससे तुम पिछली बार अफ्रीका गए थे। पर कार्ल ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सैम जैसे स्किनी येलो बर्ड जिससे वो कुछ देर पहले ही मिला था, उसको उन्हें लीड करने के काबिल नहीं मानता था। तब सैम लेडीबग से धीरे से पूछता है कि उसने सभी से झूठ क्यों कहा कि मैं सभी को अफ्रीका ले जा सकता हूँ।
जबकि डेरियस ने तो कार्ल को उन्हें न्यू रूट के थ्रू लीड करने को कहा था। इस पर लेडी बग उससे कहती है कि ये उसके लिए बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा मौका है और उनका साथ पाकर वो खुद को अकेला भी महसूस नहीं करेगा। कार्ल उससे पूछता है कि डेरियस ने उसे कौन सा रूट बताया था, जिस पर सैम लेडी बग की बात मानकर उससे कहता है कि डेरियस ने सिर्फ मुझे ही तुम सभी को उस रास्ते से ले जाने को कहा था। उड़ने में वापस से कुछ वाइल्ड कार्ड उन पर अटैक करने आ जाते हैं, बाकी सभी तो वहाँ से उड़ जाते हैं, पर विली का लिटिल ब्रदर फ्लैग कैट्स के बीच में फंस जाता है। लेकिन तब सैम फ्लैग को अपने साथ कैट्स को चकमा देकर सेफली उसे बचा लेता है। सैम की इस बहादुरी भरे काम को देखकर कार्ल के अलावा सभी उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। डेल्फ को लगता है कि अगर उसके डैड ने सैम को उन्हें लीड करने के लिए चुना है तो जरूर उसमें कुछ बात होगी, इसलिए उसे सैम पर कोई संदेह नहीं था और कार्ल के अलावा सभी को उस पर यकीन था। पर सैम को अब समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे सभी को किस डायरेक्शन की ओर ले जाना चाहिए। तभी उसे वहाँ से कुछ दूरी पर पॉइंटेड रॉक्स नजर आते हैं, जिससे उसे याद आता है कि डेरियस ने भी उसे पॉइंटेड रॉक्स के बारे में कहा था, इसलिए वो सभी को उसी डायरेक्शन की ओर ले जाने लगता है और इससे सैम को भी उन्हें लीड करने का कॉन्फिडेंस आने लगता है। लेडी बग भी उसके लिए बहुत खुश होती है। सैम उन सभी को लीड करता हुआ आगे बढ़ता रहता है, पर कार्ल को शक होता है कि उन्हें अपोजिट डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए और वो अपने फ्लॉक को इस बारे में बताता है, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जैसे जैसे सैम आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसे डेरियस के बताए रूट्स के क्लूज मिलते जाते हैं। पूरे दिन लगातार उड़ते रहने के कारण अब तक वो बहुत थक चुके थे, इसलिए वो रास्ते में एक सिटी में रुकते हैं जो असल में पेरिस होता है। वहाँ सैम को कुछ खाने को नजर आता है, पर जैसे ही वो उसे लेने जाता है तभी वहाँ के नेटिव बर्ड्स उस पर हमला करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। यहाँ से सैम को समझ नहीं आता कि अब उसे किस डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो उन्हें अफ्रीका के बजाय यूरोप में ले आया था। दोस्तों, कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसे इंस्टेंस आते हैं जहाँ हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हमें लगता है कि हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे या कुछ चीजें हमें इम्पॉसिबल सी लगती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अपने समय के ग्रेट राइटर रह चुके जॉर्ज एडम का मानना था कि हमारा इम्पॉसिबल होना नामुमकिन है जब तक हम दृढ़ संकल्पी हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं। जॉर्ज एडम की ये इम्पैक्टफुल लाइन उनके द्वारा लिखी गई बुक यू कैन से ली गई है, जिसकी कम्प्लीट बुक समरी आप कुकू FM पर सुन सकते हैं और उनकी कही बातों को अपना कर अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। कुकू FM इंडिया की लीडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ आपके लिए 1000+ hours की नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है। यहाँ हमारे बहुत से ग्रेट थिंकर्स की बायोग्राफी की ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिन्हें सुनकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुकू FM ऑडियो बुक के जरिए आप अपने लाइफ को बेहतर दिशा दे सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि आप इन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं, और वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में। ये काफी अच्छे बजट में भी है। इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन आती है मात्र 399 रुपए में, और अगर आप हमारे कूपन कोड को यूज करते हैं तो पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब 399 रुपए की जगह आपको सिर्फ 199 रुपए ही पे करने होंगे। तो एक बार कुकू FM को जरूर ट्राई करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ हम वापस से स्टोरी पे आते हैं। वहाँ उसे ये भी ख्याल आता है कि वो उन्हें छोड़कर वापस लौट जाए, पर डेल्फ की इमोशनल भरी बातें सुनकर वो पिघल जाता है और अपना इरादा बदल देता है और सभी को अपने साथ लेकर आगे की ओर निकल जाता है। कार्ल को ना चाहते हुए भी उसके दिखाए रास्तों की ओर उसके साथ जाना पड़ता है। रास्ते में वो देखते हैं बहुत से बर्ड्स उनके अपोजिट डायरेक्शन की ओर जा रहे होते हैं। इससे सैम अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। कार्ल भी उसे देखकर समझ जाता है कि सैम को आगे के रास्ते के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वो सैम को सभी को सच बताने को कहता है। पर तभी सभी देखते हैं कि वो समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। इससे सभी को लगता है कि वो स्पेन में पहुंच चुके हैं और समुद्र पार करते ही वो अफ्रीका पहुंच जाएंगे, जिस कारण वो बहुत खुश होते हैं। पर इस लंबे सफर पर निकलने से पहले वो रात को उसी कोस्टल एरिया में ठहरने का तय करते हैं, जहाँ एक आउल उन सभी का हैप्पीली वेलकम करता है। पर असल में वो जगह नेदरलैंड था और वो यूरोप पहुंच चुके थे, जिस बात से वो अनजान होते हैं। वहाँ सैम डेल्फ को सच बताने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि मैं किसी को लीड करने के लायक नहीं हूँ और मैं अब तुम सबको और आगे नहीं ले जा सकता। इस पर डेल्फ उसे रोकते हुए कहती है कि एक बार हम अफ्रीका पहुँच जाए तो वहाँ मेरे डैड के दोस्त सैमो कुलो मिलेंगे, इसके बाद तुम फ्री हो जाओगे और अपने घर वापस जा सकोगे। ये सुनने के बाद सैम को उसकी बात माननी पड़ती है, पर अभी भी वो इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो सभी बर्ड्स को उनके रियल डेस्टिनेशन अफ्रीका तक कैसे ले जाएगा। वहीं समुद्र के किनारे उसे एक सील कपल मिलते हैं, जिनसे उसे पता चलता है कि वो सभी को गलत जगह लेकर आ चुका है। यहाँ सैम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है।
कि उसने सिर्फ दुनिया घूमने के लिए पूरी बर्ड फैमिली को खतरे में डाल दिया है। वहीं कार्ल जब अपने दो दोस्त जॉर्ज और ल्यूकस के साथ आसमान की ऊंचाइयों में एंजॉय कर रहा होता है, उड़ने में वहां से एक एरोप्लेन गुजरता है जो उन्हें ऑलमोस्ट हिट करने वाला होता है, पर एट लास्ट वो बच जाते हैं। अगली सुबह जब सैम की आंख खुलती है तो वो देखता है कुछ शिकारियों ने उनके बसेरों पर हमला करना शुरू कर दिया था। किसी तरह से वो वहां से बचकर निकल आते हैं और समुद्र को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहां सैम उन्हें आगे ना जाने को कहता है, पर अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर वो वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो सैम की बात नहीं मानते। तभी वो अपने सामने कुछ दूरी पर डार्क क्लाउड फॉर्मेशन को देखते हैं, पर वो हार नहीं मानते और हिम्मत करके उसके पार निकलने का तय करते हैं। पर मामले को सीरियस होता देखकर वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तभी उन्हें समुद्र में आधा सबमर्ज्ड ऑयल टैंकर नजर आता है, इसलिए वो अपने टेम्पररी शेल्टर के लिए उनके अंदर आ जाते हैं और स्टॉर्म के थमने का वेट करने लगते हैं। वहाँ बेबी बर्ड्स को भूख लगने लगती है, इसलिए वो टैंकर में घूमते हुए फूड की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ अनजान बर्ड्स नजर आते हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर अंधेरे में वो उन्हें खतरनाक शिकारी बर्ड समझ लेते हैं। तभी वो टैंकर भी डूबने लगता है, इसलिए उन सभी को वहाँ से बचकर निकलना पड़ता है। उसी दौरान कार्ल वहीं रह जाता है, पर तब सैम और विली किसी तरह से उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन तब वो देखते हैं जिन बर्ड्स को वो खतरनाक समझ रहे थे वो भी असल में उन्हीं की तरह बर्ड्स होते हैं जो स्टॉर्म से बचने के लिए अंदर आना चाहते थे। ये देखने के बाद सैम उनकी मदद के लिए टैंकर में लगे नाव को समुद्र में उतार देता है, जिसके जरिए वो सभी बर्ड्स वहाँ से समय रहते निकल जाते हैं। इसके बाद वो फाइनली उस स्टॉर्म को पार कर लेते हैं, पर तभी अचानक ठंडी हवाओं का झोंका उनकी तरफ आने लगता है, जिस वजह से वो उसकी दिशा की ओर नॉर्थ में जाने लगते हैं। और अल्टीमेटली जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को ग्रीनलैंड में पाते हैं, जहां बर्फ के कारण बहुत ठंड होती है और सभी ठंड से कांपने लगते हैं। ये देखकर कार्ल से रहा नहीं जाता और वो इस सब का ब्लेम सैम पर लगाने लगता है। तब सैम वहाँ खुद को उनका दोषी मानकर सारी सच्चाई बता देता है और अपने झूठ का खुलासा कर देता है। ये सुनने के बाद डेल्फ उससे बहुत नाराज होती है। सैम अपनी गलती मानकर वहाँ से चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसे लेडीबग का विजन आता है, जिसके जरिए उसे इस जगह से निकलने के लिए एक आइडिया मिल जाता है और वो वापस डेल्फ और बाकी सब के पास जाता है। वहाँ सैम सभी को एरोप्लेन दिखाते हुए समझाता है कि अब तक जिसे वो आयरन बर्ड समझते आ रहे थे वो असल में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसका इस्तेमाल करके ह्यूमंस एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पर कार्ल को तभी उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो किसी को भी उसकी बात ना मानने को कहता है। इसलिए सैम सभी को भरोसा दिलाने के लिए खुद एरोप्लेन पर जाकर दिखाता है, इससे सभी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और खुद भी वहाँ आ जाते हैं। वो उन्हें अपना प्लान समझाता है कि हम छुपते हुए एरोप्लेन के अंदर घुस जाएंगे, और क्योंकि वो एरोप्लेन उनके डेस्टिनेशन पर ही जाने वाली थी इसलिए इस तरीके से वो अल्टीमेटली अफ्रीका पहुंच जाते। सैम की बात मानकर सब ऐसा ही करते हैं, पर कार्ल उसका कहा नहीं मानना चाहता था, इसलिए सैम उसे कार्डबोर्ड रोल में फंसा कर किसी तरह से एरोप्लेन में ले आता है और तब एरोप्लेन उड़ान भरना शुरू कर देता है। और फाइनली बहुत समय के बाद जब एरोप्लेन लैंड करता है तो वो सभी वाकई में खुद को अफ्रीका के जंगलों में पाते हैं और इस तरह से वो सेफली वहां पहुंच जाते हैं। वहां सैम सभी को ये कहकर वापस जाने लगता है कि अब तुम सबको बस सैमोकुलो को ढूंढना होगा, जिसके बारे में डेल्फ ने उसे कहा था कि वो उसके डैड के दोस्त हैं, पर वहां उसे पता चलता है कि असल में ऐसा कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। डेल्फ ने ऐसा बस उसे अपने साथ लाने के लिए कहा था और असल में इसी इंसिडेंट के बाद से उस येलो बर्ड का नाम सैम पड़ा था। वो सैम को भी अपने फ्लॉक का हिस्सा बन जाने को कहते हैं। सैम भी उनकी बात मान जाता है और वो भी उनके साथ ही रहने लगता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।